हम बात कर रहे हैं जस्टिफाई की. जस्टिफाई क्या करता है? जैसे आपके सामने जो डेटा दिख रहा है, मुझे क्या करना है कि इनको जो डेटा आपको दिख रहा है एक सेल में मर्ज करना है. जैसे मैं यहां पे पूजा, यहां पे स्पेस दे दीजिए या कॉमा दे दीजिए, मोहन, इस तरीके से. बट प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको फॉर्मूला के जरिए करेंगे तो कॉन्कैटेनेट फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा. कॉन्कैटेनेट, तो कॉन्कैटेनेट में क्या होता है कि मुझे इस तरह से करना पड़ेगा, पूजा, फिर यहां पे हमें ब्लैंक देना होगा, कॉमा देना होगा इनवर्टर कॉमा में, फिर मोहन, अगेन यहां इनवर्टर कॉमा में मुझे कॉमा देना पड़ेगा, फिर कविता, इस तरह से. अब मेरे पास 25 है, काफी टाइम लगेगा. अगर 50 हुआ, 200 हुआ, और ज्यादा टाइम लगेगा जी. लेकिन लेटेस्ट एक्शन अगर 2019 यूज करते हैं, उसमें हमारे पास टेक्स्ट ज्वाइन नाम का फॉर्मूला आ गया है जो इस काम को इजिली करता है. डिलिमिटेड हो गया, ब्लैंक को ट्रू करना है और हमने रेफरेंस को सिलेक्ट कर लिया, राइट? लेकिन लेटेस्ट सेक्शन में है, उससे अगर प्रीवियस सेक्शन में होगा तो कैसे करेंगे आप? 7 में है, 10 में है, 13 में है, 16 में है, तो ये फॉर्मूला तो मिलेगा नहीं आपको. तो वहां पे हम क्या करेंगे कि इसको हम करेंगे ड्रैग, इसको हम बड़ा करेंगे. बड़ा करने के बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे और आपके सामने आता है जस्टिफाई. तो जस्टिफाई का काम ये नहीं कि आपका पूरा नाम को एक सेल में कर दे, एक कॉलम में कर देगा, एक सेल में. ये कॉलम का फर्क होता है, जितना वाला कॉलम होगा उस हिसाब से उसको वो एक एक में मर्ज कर देगा, वो भी स्पेस सेपरेटर से. आपको कॉमा सेपरेटर चाहिए तो आप स्पेस को कॉमा से ये कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है? फाइनल रिप्लेसमेंट जाके वापस इसको सही करना है. तो यहां आप कॉलम को छोटा करें और यहां वापस जस्टिफाई कर दीजिए, तो वापस आपका सही हो जाएगा. तो जस्टिफाई का यूज क्यों होता है? जस्टिफाई का यूज होता है कि एक पर्टिकुलर रेंज को कॉलम के साइज के हिसाब से मर्ज करना या कि डिस्ट्रीब्यूट करना. कॉलम बड़ा हुआ तो उसको एक में कर देगा, छोटा हुआ तो कई सारे सेल में कर देगा, ओके? तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज मैंने यूट्यूब पे डाले थे और बहुत लोगों ने इसको देखा था सर. इसलिए चीज मैंने आपको आज बताई.